जरा रफाल विमानों की आज की यह तस्वीर है, जिस वक्त रफाल भारत आ रहे थे और दो सुखोई 30 MKI उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाकर भारत की वायु सीमा में उनको लेकर आ रहे थे। उसके बाद अंबाला में उनकी लैंडिंग हुई है 3:10 PM पर, वहां उनको वाटर सैल्यूट दिया गया है और फिर उनको अभी रखा गया है अंबाला एयरबेस पर ही। माना जा रहा है कि जल्दी ही एक कार्यक्रम होगा, औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी, जिसमें हो सकता है, बहुत संभव है प्रधानमंत्री जाए। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन वो 5 राफेल जो भारत आए हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजीव त्यागी, आप बोलिए अपनी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत देखिए, अपने अपने संस्कार है, परिवारों के संस्कार है। संबित पात्रा के जो संस्कार है वो टेलीविजन पर दिख रहे हैं, बौखलाहट में संबित पात्रा, क्योंकि मैं असली प्राइस बता रहा हूँ, जो प्राइस दसौल एविएशन ने 2016 की अपनी बैलेंस शीट में दर्शाई, जिसमें 40,000 करोड़ का घोटाला भारत की सरकार ने करने का काम किया। अब मैं इंडिया टुडे आज तक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आज तक ने एक आर्टिकल लिखा, रफेल डील क्या, जानिए किस बात पर कांग्रेस और बीजेपी में मची रात। आई कोट, राफेल डील को लेकर कांग्रेस का मुख्य आरोप, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सौदा रद्द कर अनिल अंबानी की कंपनी और दशा के बीच हुए ऑफसेट करार को लेकर केंद्रित है। कांग्रेस के इस आरोप को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के हालिया बयान से और बल मिलता है। ओलांद साहब ने क्या बयान दिया था? ओलांद साहब ने कहा था, निश्चित रूप से इस डील को चेंज करने के लिए मोदी जी ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने डील चेंज की। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसे या रोए, गाए या जले, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहता था, 2019 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांस की सरकार ने बकायदा 200 एविएशन से करीब करीब 28 नए रफेल खरीदे, 28 नए रफेल खरीदे, उनकी कीमत क्या साहब, उसको कोट कर देता हूं। फ्रांस सरकार ने 28 नए रफेल का दिया ऑर्डर, एक विमान की कीमत 567 करोड़ रुपए, एक विमान की कीमत 567 करोड़ रुपए हमारी सरकार खरीद रही है 1670 करोड़ रुपए में। मैं सारी बात इससे पहले वाले सेगमेंट में कह चुका हूँ, लेकिन सारे विमान एक जैसे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने जब डील की थी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि अभी हमने कुछ पायलट से भी बात की, कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, एक ने कहा कि जब जगुआर भारत आए थे तो उसमें बेहतरीन चीजें शामिल नहीं थी, मसलन लैंडिंग के लिए ऑटो लैंडिंग की सुविधा जगुआर में मिलती है, लेकिन भारत में जो लिया उसमें वो सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से कई हादसे हो गए। तो क्या आपसे अगर कहा गया कि कप की जरूरत है चाय पिलाने वाले, तो आपने ये कागज का गिलास पकड़ा दिया और कहा कि ये लो कप है जिसमें ना हैंडल है, जो ना ज्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, जिसको ना धोया जा सकता है दोबारा, ना इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार अगर किसी ने पी लिया तो उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या उस राफेल को जिसकी आप डील करके आए थे वो राफेल बताना चाहते हैं जो आज खड़ा हुआ है सामने आके? यस, बिल्कुल सेम है, 28/8/2007 जो आया नहीं वो सेम कैसे हो गया सर? प्लीज, जो 5 राफेल आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो आया नहीं सर उसके समान कैसे हुआ ये तो बताइए प्लीज। हाँ, उसी को बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। मैंने शायद अंग्रेजी में एक बात कोट की थी, हो सकता आप उसने आप मिसप्लेस कहीं सर, मेरा हाथ तंग है, हिंदी में बता दें प्लीज, अंग्रेजी में हिंदी बता देता हूँ। 28/8/2007 का मैंने एक एग्रीमेंट पढ़ा था, जो भारत की सरकार के साथ बकायदा 200 एविएशन से 126 विमान भेजने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको मैं हिंदी में कोट कर देता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी एयरक्राफ्ट फ्रांस से 200 एविएशन से भारत जाएंगे वो पूरे वेपन्स के साथ होंगे, पूरे मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज के साथ होंगे, और ये इंटीग्रल पार्ट होगा फ्लाईवे एयरक्राफ्ट का। ये एग्रीमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 28/7/2008 का, 2007 का पीस, इसको आप देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे कि भारत की सरकार का, फ्रांस की सरकार का क्या एग्रीमेंट, मतलब जो हैमर आज लग रही है उसमें 2020 में वो आपने 2008 में लगा दी थी उसमें। जो आपने बात की, देखिए जो प्राइसिंग होती है माय डियर फ्रेंड, पांच साल इसमें अगर पूरा आप देखेंगे तो 5 साल हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बकायदा इसकी टेस्टिंग करने के लिए लिए है और स्पेसिफिकेशन जांचने के लिए लिए है। और मैं भी बता दूं आपके दर्शकों को कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो टेस्टिंग पद्धति है, परीक्षण पद्धति है, वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको एक बात और याद होगी रोहित सरदाना जी, उसी टाइम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट करने का काम, एक्ट में चेंज करने का काम किया था भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा मोदी जी के विरुद्ध हो जाए। ये पार्लियामेंट बिल पास हुआ बकायदा, कांग्रेस सरकार आएगी तो इस बिल को भी चेंज करेगी और इस रफेल के भ्रष्टाचार की जांच करेगी।